हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो नहीं, अभी नून हो गया, आई मीन आफ्टरनून हो गया। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे गांव, तो यज्ञ है गांव में, तो दो दिन पहले छुट्टी है एक्चुअली आज। निकल जाएंगे गांव। रास्ता कुछ बन रहा है शायद, सुनने को आया, लेकिन पता नहीं कहां पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी घर से कॉल आया था कि इतना लेट क्यों हो रहा है, जल्दी आ जा, तो जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, बाकी सब भगवान के हाथ में। जल्दी पहुंचेंगे या लेट पहुंचेंगे, देखते हैं क्या होता है। पानी लेना है रास्ते में, पानी लेना भूल गए, मिलते हैं रास्ते में, ठीक है। अभी याद आया गाड़ी में तेल ही नहीं है। अभी थोड़ा पेट्रोल पंप जाएंगे, उधर थोड़ा तेल डालेंगे, फिर निकलेंगे। इधर से यू टर्न एक्चुअली लेंगे हम, क्योंकि आगे का रास्ता खंडगिरी जाता है। हम यू टर्न अगर लेंगे तो डी एन नगलिया की तरफ निकलेंगे, तो उस तरफ हमें ज़्यादा आसानी होगा और रास्ता भी कम पड़ेगा। तो तेल डालने के बाद टर्न ले लेंगे। तेल तो डाल लिए। एक्चुअली हमारा गांव इधर से जितना किलोमीटर से, तकरीबन 91 किलोमीटर से, तो 1500-1600-1700 या आसपास का अमाउंट में आप आराम से जाके गांव से रिटर्न हो सकते हो। तो उतने का ही डाला, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आके फिर ही रूम पे ही गाड़ी रहेगा, क्योंकि ऑफिस तो हम बाइक लेके जाते हैं, कार लेके तो कभी कभार जाते हैं, कभी बारिश हो गई या कुछ और। फिर तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, अगर आप सीधा जाएंगे, ये जो स्क्वायर है ये सीधा जाएंगे तो मेरा रूम है। हम यू टर्न लेके आए ना पेट्रोल पंप से, इधर से लेफ्ट जाएंगे तो डी एन नगरलिया की तरफ जाएंगे। हम डी एन नगरलिया से राइट कटेंगे अपने डेस्टिनेशन के तरफ, तो ये हम चले डी एन नगरलिया की तरफ, मतलब टुवर्ड्स द हाईवे। तो हमने ले लिया पानी का बटल, ये रहा डी एन नगरलिया का जो स्क्वायर है वही। तो इधर से हम राइट जाएंगे अपने विलेज के तरफ। ये क्या, ये पीसीआर रॉन्ग रूट से क्यों आ रहा है, और ये ट्रक क्यों खड़ा है भाई, हटा ले भाई, जल्दी जाना है। आ भाई, तू भी रॉन्ग रूट से आ जा, आ जा। कितना भी बोलो,
लोग आते ही रहेंगे रंग रूट से, तो जो आदमी जा रहा है सीधा वो कैसे जाएगा फिर? आगे क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? अरे रास्ते का काम चल रहा है क्या? अरे भाई फंस गए हम तो। अच्छा ये जो राइट साइड में आप जो ओवरब्रिज देख रहे हैं, ये ओवरब्रिज का काम चल रहा था तब ये रास्ता खुला था, नीचे का रास्ता जो था। अभी नीचे का रास्ता चल रहा है, ओवरब्रिज खुल गया और हम बहुत दिन हो गए इस रूट पे आए नहीं। अभी हमें फिर से घुमाना पड़ेगा, आगे का रास्ता अंधेरा दिख रहा है अभी से। देखते हैं क्या होता है। अभी इधर से हम यू टर्न ले लेंगे फिर जाएंगे सीधा। सारे ही लोग इधर आ रहे हैं फिर यू टर्न लेके इधर से जा रहे हैं। जो लोग को पहले से पता है वो ऊपर से आ रहे हैं। एक्चुअली इधर कुछ साइन बोर्ड रखना चाहिए कि हाँ इधर का रास्ता ब्लॉकेज है, आप इधर से मत जाओ। तो एक आदमी इधर आएगा क्यों, फिर घुमाएगा क्यों? ये सब आ रहे हैं, सब रिटर्न जाएंगे फिर भाई। देखते हैं अभी सीधा, मुझे लगता है खंडेगिरी के पास जाना पड़ेगा, खंडेगिरी से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। अगर वो पेट्रोल डालने के वक्त हम खंडेगिरी ही चले जाते हैं तो डायरेक्टली ओवरब्रिज के ऊपर से हम गांव चले जाते। अभी दोबारा जाना पड़ेगा, क्या करें, फूटी किस्मत। तो फाइनली हम आ गए हैं खंडेगिरी के पास, तो इधर से यू टर्न लेके हम वो नए वाले ओवरब्रिज के तरफ जाएंगे। इतना रोड रास्ता बोलो ही मत, फर्स्ट गियर में घी 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 करके चलो, बहुत हेक्टिक है। वो सूट नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ी चलेगा आदमी या शूटिंग संभालेगा, इसलिए सूट नहीं कर पाया। लेकिन वो अगर आपको दिखाता तो आप बोर हो जाते, तो आई डोंट थिंक दिस कैन बी शोन टू यू। सो अभी हम इधर से निकलेंगे। ए भाई ए आ गया, ध्यान से भाई। क्यों ऐसे ब्रेकेज करते हैं लोग? कोलेटरल डैमेज #। चलो निकलते हैं हम। भाई साहब इधर तो बक्स देते, सोचा जल्दी जाएंगे, इधर तो और भी रास है, निकालो फिर। अरे भाई क्या करें, रास्ते का काम चल रहा है, हमारा डेवलपमेंट ही चल रहा है, हम कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में क्योंकि वो इन द एंड हमारे को ही हेल्प होने वाला है। तो अभी थोड़ा तकलीफ सहना पड़ेगा, तो सहो फिर। लेकिन किसी को अगर जल्दी जाना है इस रास्ते पर, अगर एक एम्बुलेंस फंस जाएगा तो क्या होगा? भगवान का शुक्र करो वो नौबत नहीं आया, क्योंकि एम्बुलेंस का रास्ता ये ना हो, क्योंकि किसी पेशेंट का जान सबसे अहम होता है। तो कुछ भी हो, पेशेंट हो या कुछ भी हो, हर किसी का जान अहम होता है, लेकिन एम्बुलेंस इज़ मेंट टू बी अलॉट। सो यहाँ पे ना फंसे और ये रूट ना ले, बी केयरफुल। हम तो थोड़ा थोड़ा करके चले जाएंगे। तो फाइनली हम निकल आए हैं उस ट्रैफिक से, तो अभी साफ रास्ता है, हम सीधे निकल जाएंगे गांव की तरफ। सोच रहे थे 2 घंटा लगेगा, लेकिन नहीं भाई,
डेढ़ घंटा लगेगा जस्ट किडिंग, ढाई घंटा लगेगा। चलो मिलते हैं। ये जो रास्ता है अभी तो उतना हरा भरा नहीं दिख रहा है, अगर बारिश के टाइम पे अगर आप आओगे तो ये जो ग्रीनरी मूवमेंट आपको मिलेगा इधर, टाउन में नहीं है ये सब चीज़। ओब्वियसली कैसे होगा, टाउन पे तो हर जगह घर ही घर है। तो यहाँ पे जो खेती चल रहा है इसके लिए जो ग्रीनरी आ रहा है दैट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एक्चुअली। अब अगर आप इस रास्ते से आए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं आए हैं तो कभी आइए, एक्सप्लोर करिए इस जगह को, ब्यूटीफुल रोड्स। एंड आई पर्सनली एन्जॉय दिस काइंड ऑफ रोड्स। ये मेरे गांव के पाँच छः किलोमीटर पीछे ही है, तो मुझे अच्छा लगता है ये रोड पे, क्योंकि चारों तरफ मतलब दोनों साइड पे ये पेड़ है और बीच में रास्ता है। रास्ता थोड़ा मतलब ठीक ठाक है, उतना प्लेन नहीं है क्योंकि ये सीमेंट वर्क है, तो अच्छा लगता है ये रास्ता। मतलब रात में अगर आओगे तो आपका लाइट लिमिटेड होगा, सिर्फ रास्ते पे फोकस होगा तो वो अच्छा लगता है, लेकिन दिन में आओगे तो डिस्ट्रक्शन होगा साइड में जो है सब। दिस थिंग लुक्स ब्यूटीफुल इन नाइट ऑल्सो, एक्चुअली इन नाइट ओनली, डे में उतना खास नहीं लगता है। हमारा गांव अभी आ गया और मेरा कैमरे का चार्ज अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाला है एक्चुअली, तो और ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा। कल तो यज्ञ हैं, तो यज्ञ में आपको दिखाऊँगा क्या क्या सब होता है क्या नहीं। और मेरा गांव का जो टेंपल है उसका थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है, गांव का लोग मिलके किए हैं सब, तो वो सब दिखाऊँगा आपको। तो आज के लिए इतना ही, तो कल आपको दिखाऊँगा हमारा एक्चुअल यज्ञ जिसके लिए हम आए हैं। तो यह है हमारा यज्ञ चालू हो रहा है। एक्चुअली गांव में माता पार्वती जी की एक मंदिर स्थापना हो रही है, उनकी मूर्ति स्थापना हो रही है, इसके लिए ये यज्ञ हो रहा है। ये गांव के लोग हमारे सब इकट्ठे हुए हैं। यह है महादेव जी के मंदिर, इसके हम बाद में आएंगे यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो फिलहाल यही तो है हमारा गांव का सिनेरियो। तो ये है पार्वती माता की मूर्ति जो स्थापना होने वाली है, उनकी अभी पूजा हो रही है, मतलब स्थापना से पहले जो पूजा होती है वही, इसके बाद पूर्णाहुति होगा। तो फिलहाल तो अभी माता जी की पूजा हो रही है। यह है हमारे प्यारे महादेव जी का मंदिर जो हमारा गांव का मंदिर है, मतलब ये एक्चुअली पहले बना था, इसके बाद में माता जी का मंदिर बना था, हनुमान जी का मंदिर भी बना था। माता जी का मंदिर एक्चुअली बाद में बना, पहले हनुमान जी का बना उसके बाद माता जी का मंदिर बना। तो यही है मंदिर एक्चुअली, महादेव की मंदिर यही है। ये है महादेव जी के मंदिर के मतलब
चारों तरफ ऐसे फूल के पौधे लगाए गए हैं, अच्छा लगता है जब दिखता है। मस्त व्यू है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। तो ये है महादेव जी का मतलब इनसाइड व्यू ऑफ टेंपल। हम यहाँ पे महादेव जी की पूजा करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पार्वती माता की मंदिर, जिसके लिए आज ये यज्ञ हो रहा है, जिनके लिए आज ये यज्ञ हो रहा है। तो ये है माता की स्वरूप, अब देखिए। कितना सुंदर लग रहा है। तो ये आ गया लास्ट पार्ट ऑफ द पूजा, जिसे हम पूर्णावधि बोलते हैं। यहाँ पुष्पांजलि देते हैं लास्ट में। तो माता जी का मूर्ति स्थापना हो गया। अभी हमारा व्लॉग भी ख़त्म हो गया। आई होप यू एंजॉय द व्लॉग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड बी हैप्पी। May God bless you.